Hello engineers, welcome to the world of Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. मैं इंजीनियर शुभम नागपुरे आपका स्वागत करता हूँ. करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ. दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरह से लेबर कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. पिछले वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से PWD में ठेकेदारी के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं. और आप सभी ने मुझे कमेंट किए कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड एक वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ आप लोग को लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और किन किन कंडीशन में आप लोग को इस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है. तो आज मैं आप लोगों को डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी फीस देनी पड़ सकती है रजिस्ट्रेशन में. ये सब कुछ आप लोग के साथ डिटेल्स में इस वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करूंगा. बने रहिए इस वीडियो के साथ, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए. अगर आपको सिविल इंजीनियर से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ने हैं कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर डिमांड करती है कि एक सिविल इंजीनियर में ये सब स्किल्स होनी चाहिए, तो दोस्तों अगर आपको वो सब स्किल्स चाहिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर डिमांड करती है, तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.civilguruji.com. इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ. तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं कि किन किन कंडीशन में आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है. देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 20 लेबर या उससे ज़्यादा लेबर है तो आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है. 5 सितंबर 1970 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यह रूल्स निकाला है. जिनके पास 20 से ज़्यादा लेबर है उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के श्रम विभाग में आपको जाना होगा, लेकिन बहुत सारे जगह पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन लिया जाता है. तो आपको ऑफलाइन पे रजिस्ट्रेशन करना है या ऑनलाइन पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएगा. आप लोग के लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में. हर एक स्टेट वाइज लेबर डिपार्टमेंट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है मैंने. आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट पर क्लिक कीजिए और आप उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको ऑफलाइन पे करना है या फिर ऑनलाइन पे रजिस्ट्रेशन करना है. अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा, देन लॉगिन करना होगा और जैसे साइन अप करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, तो उस आईडी पासवर्ड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं. तो अब दोस्तों बात करते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. देखिए दोस्तों, आप जिस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर वो आप ऑनलाइन प्रोसीजर से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगी. फिर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, फिर उस एप्लीकेशन का एक PDF फाइल बना लीजिए. अगर आप ऑफलाइन प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं तो जिस पेपर से ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसको स्कैन करके उसको PDF फाइल में कन्वर्ट कर लीजिए. नेक्स्ट आपको चाहिए होगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए. दूसरा आपको चाहिए होगा ID प्रूफ, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस. जो भी इनमें से आपके पास अवेलेबल होगा उससे आप अप्लाई कर सकते हैं. और आपको डिटेल्स में फिल करना होगा कि आप लेबर्स को किस जगह पे लेके जा रहे हैं और किस पर्पज़ के लिए आप लेके जा रहे हैं, और इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर सबमिट करना होगा. तो उसका भी आपको PDF फाइल बनाना है और अपलोड करना है. दोस्तों ये हो गया डॉक्यूमेंट्स पार्ट. अब बात करते हैं कि कितनी फीस लग सकती है इस लाइसेंस के प्रोसीजर्स में. देखिए दोस्तों, आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए 60 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की राशि आपको लग सकती है. कितने लेबर आप लेकर जा रहे हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये प्रोसीजर उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो कितने लेबर में कितनी फीस चाहिए होगी तो उसके लिए भी मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया हूँ. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेबर्स ही उसका कॉस्ट डिसाइड होगा. यहाँ पर एक बात आती है सिक्योरिटी डिपॉजिट, और यहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जब सबमिट करना होगा, फिर बाद में आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिफंड कर दिया जाएगा. और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, लाइसेंस प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही करना होगा. आप ये नहीं कर सकते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर लिए फिर रजिस्ट्रेशन किए, तो ऐसा नहीं हो सकता. आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं. तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बनाया जा सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इसी जोश और जुनून के साथ बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी। थैंक यू दोस्तों।